જર્જરિત હાલતમાં હોવાથી ગઈકાલે તૂટી હતો. સૌરાષ્ટ્રમાં અને ખાસ કરીને જામનગર જિલ્લામાં જાણે કે આબ ફાટી હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. અનેક એવા વિસ્તારો છે જ્યાં 24 કલાકમાં 25 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી ગયો છે, ત્યારે બીજી બાજુ હવામાન વિભાગે પણ આગાહી કરી છે કે રાજ્યમાં હજી પણ ભારે વરસાદ યથાવત રહેશે. આગામી 4 દિવસ રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે તેવી પણ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આ સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં જે રીતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેના કારણે વરસાદની જે ઘટ હતી તે હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. રાજ્યમાં હજુ પણ 22% વરસાદની ઘટ છે તેમ હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. भी गुजरात में अगले 4 दिन में वाइड स्प्रेड रेन होने का संभावना है. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस गुजरात में बारिश रहेगा, लाइट टू मॉडरेट, लेकिन कहीं कहीं जगहों में हेवी, भारी से अति भारी और एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का भी संभावना है. आज डे 1 के लिए जूनागढ़ में मोस्टली बारिश बहुत हो गया और थोड़ा बारिश होगा, एक्सट्रीमली हेवी रेन हो जाएगा. और डे 2 में एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है राजकोट, जूनागढ़, बलसाड, दामन, दादरा नगर हवेली, लेकिन काफ़ी सारे जगहों में भी बारिश रहेगा और कुछ कुछ जगहों में हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है. जैसे सूरत, भरूच, वडोदरा, डांग, तापी, जामनगर, राजकोट, सॉरी अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, ये सारे में भी हेवी टू वेरी हेवी रहेगा. डे 3 के लिए भी हेवी टू वेरी हेवी एट आइसोलेटेड प्लेसेस में रहेगा. डे 4 में आइसोलेटेड हेवी रहेगा. डे 5 में मोस्टली गुजरात रीजन में एक हद जगह में हेवी रेन हो सकता है, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में हेवी रेन होने का संभावना नहीं है. डे 5 में काफ़ी रिडक्शन हो जाएगा. अभी रेड अलर्ट फिलहाल अब भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जूनागढ़ में रखे हैं और कल जूनागढ़, राजकोट में रहेगा, बलसाड, नौ, दमन, दादरा नगर हवेली में रेड अलर्ट रहेगा, उसके बाद ऑरेंज हो जाएगा. अभी जो बारिश हुआ है, हमारा ऊपर सिस्टम था साउथ गुजरात का, ऊपर अभी सर्कुलेशन है एंड मानसून ट्रॉफ जो है वो भी नीचे है, वो 2 कारण है. और कल से जो बारिश होगा, जो डिप्रेशन बना था नॉर्थ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ का आसपास था, वो अभी MP तक आ जाएगा अगले 24 घंटे में. तो कल से उसका इफेक्ट की वजह से गुजरात, इंटर गुजरात